नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट के एक और वीडियो में। दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर की। तो टाटा मोटर की कल की डेट में एक बहुत ही बड़ी न्यूज, मैंने आपको बताया था कि इसका फरवरी का जो है सेल्स का नंबर आने वाला है। सभी ऑटो कंपनियां जो है सेल्स के नंबर जो है लास्ट बैंक लास्ट मंथ के हर एक मंथ की फर्स्ट तारीख को जो है देते हैं। तो कल जो है 1 तारीख थी, 1 मार्च था, तो इसका जो है फरवरी सेल्स का नंबर आ चुका है। तो डिस्कस करेंगे क्या है नंबर में, उसके दम पे हम थोड़ा चार्ट पे चलेंगे, देखेंगे क्या टारगेट प्राइस बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ पे। दोस्तों न्यूज़ पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आप तो वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहली न्यूज़ पे चलते हैं। जैसे देखते हैं टाटा मोटर रजिस्टर्ड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ लगभग 58,400 यूनिट्स इन फरवरी, एक ग्रोथ ऑफ 54% ओवर द लास्ट ईयर। ठीक है, सो पिछले कई दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसके ग्रोथ के नंबर ही ऐसे हैं कि जो इसके फाइनली ईबीटा और इसके प्रॉफिट पे असर करेंगे, और फिर वही जो है शेयर को जो है प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो जितने भी नए नए डेटा आ रहे हैं सब इसके सेल्स के नंबर को जो है रेक्टिफाई कर रहे हैं और बढ़ा के ही दे रहे हैं, और बढ़ा के नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सी के, देख लेते हैं डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ। फरवरी 2021 में 58,000, जनवरी 2021 में सत्तावन हज़ार, फरवरी 2020 में देख रहे हैं मतलब इसके एक साल पहले सेम मंथ में 38,000% चेंज, 1% ईयर ऑन ईयर 54%। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 1% का चेंज है और ईयर ऑन ईयर में 54% का चेंज है। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि दिसंबर क्वार्टर से इसकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा पंप लगा हुआ है, और फिर जनवरी क्वार्टर फिर और धमाकेदार होने वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 54% की ग्रोथ है, और क्या चाहिए आपको शेयर में। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं सर डर लग रहा है सेल करूँ, 280 जाएगा, 270 जाएगा, एक दो तो 150 बता रहे हैं। अरे बिल्कुल फिजूल की बातें हैं, जब कोई शेयर बढ़ता है तो थोड़ा नेगेटिविटी फैलाई जाती है। ठीक है, सेल्स के नंबर ही आपको बता रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। 54% का जंप दिख रहा है आपको ईयर ऑन ईयर, और क्या चाहिए। अब इसके कैटेगरी वाइज जो है पैसेंजर व्हीकल, इनका कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए सीधा, किसी में 4% है, किसी में 14% है, देख रहे हैं, किसी में 24% है। ठीक है, या सीवी कार्गो एंड पीको, कार्गो में थोड़ा 5% का एक वो है, लेकिन थोड़ा सा है। टोटल डोमेस्टिक 2%, सीवी एक्सपोर्ट 27%, और टोटल सीवी देख रहे हैं 3% है। ईयर ऑन ईयर सब में देख रहे हैं 30, 68, 29, 39, और क्या चाहिए। ये डेटा ही आपको बता रहा है कि आपको शेयर में क्या करना चाहिए। ये ऐसी धमाकेदार जो है नंबर आए हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट मालूम है ये सभी ऑटो सेक्टर की ऑटो कंपनियां जितनी भी हैं, चाहे हीरो मोटर कॉर्प हो जाए मारुति, ये सबके नंबर अच्छे आए हैं पिछले जनवरी फरवरी के ये मंथ के। लेकिन अपना टाटा मोटर का नंबर और भी धमाकेदार है। 119% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है किसी में नहीं है, चाहे वो मारुति हो चाहे हीरो मोटर कॉर्प हो। ठीक है, तो टाटा मोटर इस वजह से, और इसका एक डाइवर्सफाइड सेल्स है, मीन्स ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल में हो, चाहे वो डोमेस्टिक व्हीकल हो, चाहे पैसेंजर कैरियर में हो, चाहे सीवी एक्सपोर्ट में हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो, हर एक चीज़ में इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये ऐसी धमाकेदार न्यूज़ है जिसके दम पे शेयर जो है यहाँ से भागने का पूरा दम रखता है। वैसे भाग तो रहा ही था, लेकिन पिछले एक महीने से लगभग शेयर 320 से 315, 310 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, इसमें आगे का मूवमेंट नहीं है। पुश करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ ही लीजिए। टाइम टू एड भारती एयरटेल टाटा मोटर्स दिलजीत सिंह कोहली। दिलजीत सिंह कोहली क्या है ना, ये एनालिस्ट है जो है StockExchange.com के सीईओ हैं। ठीक है, सी शुड बी गुड फॉर कंपनी लाइक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड वन ऑफ द चॉइसेस, बट वी फील दैट टाटा मोटर इज बेटर प्लेस। ये बोल रहे हैं टाटा मोटर अशोक लेलैंड दोनों कंपनियां वेल प्लेस्ड हैं, लेकिन टाटा मोटर इज बेटर प्लेस। ठीक है, सी ऑटो सेल्स के नंबर और भी देख रहे हैं। टाटा मोटर्स हैज रिपोर्टेड द बेस्ट ओवर पैसेंजर कार सेल्स इन द 9 ईयर हिस्ट्री, और क्या चाहिए आपको। टाटा मोटर्स हैज रिपोर्टेड द बेस्ट एवर पैसेंजर कार व्हीकल, और क्या चाहिए। सभी एनालिसिस पे पॉजिटिव हैं। अगर आपने यहाँ पे खरीदने का मौका छोड़ दिया तो आप जिंदगी भर पछताने वाले हो, सीधी की सीधी बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल का बिल्कुल तुरंत का तुरंत बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसी मेरी पर्सनल राय है, बट आप अपना कोई भी डिसीजन लेने पर से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए दोस्तों। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, और जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना खुद का कैलकुलेशन है, ऐसा मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ब्रोकर्स कॉल टाटा मोटर बाई
ठीक है, ये मोतीलाल ओसवाल ने 400 कॉल दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए 327 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस क्लोज 328 रुपये, ओपन हुआ 331 पे, थोड़ा सा नीचे आया, हाई बनाया 331 का। ठीक है, 22 लाख की बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है, सेलिंग क्वांटिटी 45 लाख की लगी हुई है। अब इसके दम पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। पांच दिन का चार्ट उठा के देख लो, देख रहे हैं एक बुलिंजर बैंक के अकॉर्डिंग 325 से रुपए, 330, 325, 330, देख रहे हैं 25 फरवरी को शेयर जो है यहाँ पे था। ठीक है, अब 24 फरवरी को 325, देन फिर 25 फरवरी को 325, देन फिर 26 फरवरी को 325, ठीक है, देन देख रहे हैं 1 मार्च को 325। तो ये 325, अगर 330 रुपये से क्रॉस करना चाहिए, 331 रुपये तक गया था, लेकिन इसे 330 क्रॉस करके सीधा का सीधा 348, 350 शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर बाद 350 अगर क्रॉस किया 348, तो सीधा 360, 367, 368, 370 रुपये शॉर्ट टर्म के लिए जा सकता है, इवन इसी वीक में जा सकता है, 2-3 दिन के लिए अगर मोमेंटम आ गया तो इसमें। ठीक है, न्यूज बहुत अच्छी है, न्यूज के दम पे अभी इसको रिएक्ट करना बाकी है, आज रिएक्ट कर सकता है, कल रिएक्ट कर सकता है, कब कर सकता है आगे 2-3 दिनों में ये देखना बाकी है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरी भाई की सलाह है, बिल्कुल यहाँ पे भाई कर सकते हैं, बट आप कोई भी डिसीजन लेने पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, मेरा मानना है कि सभी चीज़ें इसमें पॉजिटिव है, और जितने भी आटो सेक्टर कंपनियाँ हैं सबसे अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंस है, ब्रोकर बहुत ही कॉन्फिडेंस में, ऊपर के टारगेट हैं, और ऊपर के ऊपर आज नहीं तो कल ये जाएगा, लेकिन आप कोई भी डिसीजन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए। दोस्तों दोस्तों एक चीज़ और है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ जो है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की मैं और अपडेट लाता रहूँ, और मेरा अपडेट सबसे पहले आता है। ठीक है, मैं क्या है कि रात दिन कभी भी जो है कोई न्यूज आती है मैं तुरंत अपडेट करता हूँ, ये नहीं देखता हूँ कि नहीं रात है कल सुबह का वेट करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।